हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे सेस्ट रंच का बर्थडे है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और मैंने येलो कलर पहना हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ पर। देखिए, एक क्लिप लगाई हुई है और मिष्टू की क्लिप है। और अभी मिष्टू आकर बोलेंगी बुआ ने मेरी क्लिप लगाई है। और ये है पिछौड़ा जो हमारे यहाँ पर पहना जाता है शुभ कार्य में। तो आज मैं इस येल्लो के ऊपर इसको टक करने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने सब बच्चों को येलो कोट पहनाया, क्योंकि पूजा में येलो ज़्यादा और ये स्टैगर्ड कलर अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के साथ, मेरे बेटे सहस्त्रांश का बर्थडे, एंड चलते हैं पूजा में। मम्मी अच्छा, तो इसकी मैं बुआ। हाँ, वही तो बुआ ना। मम्मी इनका ही है। अच्छा, हाँ तो आओ फिर बैठो। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। तीनों और हम तो वैसे बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, इन्हें कराएंगे उनका। बेटो तू साइड में आ जा, बाबू इधर से बैठो, हम बुआ बैठेंगे। मैं तो यहीं बैठो। हाँ, ओम सुमो नम सुम कल्याण भवतु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करल दश मंगलम पुनीकाक्षाय मंगलाय तनोहि। फ्रेंड्स देखिए, मिष्टू की एंट्री हो चुकी है। आ गई हैं नहा धोकर तैयार होकर, और बच्चे मिष्टू को देखते ही शरारत में लग चुके हैं। देखिए, संस्कार अभी भी शरारत में लगे हुए हैं, प्रत्युष शरारत में लगे हुए हैं। और अब देखिए, हल्दी की तैयारी हो रही है। मिष्टू और संस्कार फिर यहाँ पर खेल रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चों को ट्रेडिशन का मालूम चलता है, ट्रेंड का मालूम चलता है। हम सारी एक्टिविटी घर में कर रहे हैं तो इससे बच्चे सीख रहे हैं। इसमें इनको ओरली समझाने की या किताब में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो रोज़ देखते हैं हर बच्चे का बर्थडे कैसे मनाया जाता है, और जॉइंट फैमिली में किस तरीके से रहा जाता है, और बच्चे प्यार से कैसे रहते हैं। तो इनकी अंदर जो बिल्डिंग हो रही है एक अफेक्शन की, प्यार की, वो बचपन से ही हो रही है फैमिली के साथ में। तो देखिए किस तरीके से बच्चे इंजॉय करते हैं अपने बर्थडे को। और यहाँ देखिए, अब मिष्टी लगा रही हैं हल्दी, संस्कार देख रहे हैं इतने क्यूटनेस के साथ में, और राधे हल्दी लगवाने को तैयार हैं। पापा आ चुके हैं, सब बताते हैं पापा धीरे धीरे करके, ऐसा भी करना है, ऐसा भी करना है। तो बच्चों को क्या पता चलता है, सब चीज़ों का ज्ञान होता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हर बर्थडे में, हर बर्थडे में अगर वो पूजा देखेंगे तो उनको लगेगा कि एक स्टेप एक बारी में याद करेंगे, दूसरा स्टेप दूसरी बारी में याद करेंगे। तो उनको धीरे धीरे अपने ट्रेंड्स के साथ अपने अपने ट्रेडिशंस फॉलो करने आएंगे। तो ऐसे बच्चे देखिए सीखते हैं। तो हमारे यहाँ बर्थडे ऐसे ही मनाया जाता है। पूजा तो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई
प्रॉब्लम हो ना हो सके, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो तब हम नहीं करते हैं, वरना 99% जो होता है पूजा होगी ही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप एंजॉय करिए और इस तरीके से बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। और हमारे यहाँ तो माघ का महीना भी चल रहा है, तो इसमें तो पूजा पाठ करवाते हैं, बल्कि जो लोग ज़्यादा मानते हो तो बिल्कुल ठंडे पानी से नहाते हैं और एक बार खाना खाते हैं। तो मेरे चाचा चाची लोग गांव घर में रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अभी भी बहुत पुराने रिचुअल्स जो हमारे पहले से ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनको बहुत फॉलो करते हैं वो। तो अभी भी कल चाची का फ़ोन आया था सहस्त्रांश को बर्थडे विश करने के लिए, तब वो भी कह रही थी कि माघ का महीना चल रहा है, हम एक ही बार खाना खा रहे हैं और पूरे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ होता है, भगवान को पूजा पाठ, हर एक शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है, उसके बाद कुछ पार्टी शार्टी होती है। तो अभी देखिए क्या चल रहा है, मज़े से बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं बर्थडे को और ट्रेडिशंस को सीख भी रहे हैं। तो ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम इंग्लिश बोलते हैं, बोलना बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश भी, इंग्लिश बोलना ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम और चीज़ साथ में सिखाते नहीं हैं। हम बच्चों को हिंदी नहीं सिखाते, हिंदी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा होती है, बच्चों को हिंदी भी सिखाएं, इंग्लिश भी सिखाएं, और कोई एक लैंग्वेज है तो वो भी, क्योंकि बच्चों की इस वक्त जो है कैचिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि इन लोगों को हमें गाइड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इनपुट है इनके अंदर। हम जब छोटे थे तो हमारे पास इतना नहीं हुआ करता था, क्यों, क्योंकि इतने इन्फॉर्मेशन के साधन नहीं थे हमारे पास। इन बच्चों का इनपुट तो बहुत ज़्यादा है, आउटपुट बहुत कम है, तो हमें इनके साथ एक्टिविटीज़ करके और इनको सिखाना है और इनसे करवाना भी है, क्योंकि बच्चे खुद करते हैं, बस हमें गाइड करने की ज़रूरत होती है। तो देखिए अब ये ऐसे ही ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, और जब बर्थडे जब किसी भी बच्चे का आता है तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले यही पूछते हैं, मम्मा कल सुबह पूजा होगी ना, जल्दी उठना है ना, नहाना है ना, और उसके बाद रेडी होना है ना। तो ये सब चीज़ें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए बच्चे सीख रहे हैं। तो देखिए मिष्टी हर एक चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, बिल्कुल बोर नहीं हो रही हैं और बर्थडे को एंजॉय कर रही हैं। उनकी मम्मा भी पूरा मेरी हेल्प करती हैं और बच्चे तो खैर मेरे हैं ही बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर मुझे फ्री भी छोड़ा करो, तो ये मुझे फ्री छोड़ने को तैयार ही नहीं रहते, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इतने क्वेश्चंस करते हैं कि जो व्लॉग्स बन रहे हैं वो बहुत कम है, एक ही इनके एक ही क्वेश्चन के ऊपर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए मिष्टी कैसे इंजॉय कर रही है बर्थडे में, मिष्टी बड़ी मजेदार है। मीटू बेबी स्टार्ट हो गई, अब हवन की तैयारी हो चुकी है, कलर की तैयारी कर चुके हैं, अब हवन होगा। बनाए पूरी, दलिया, आलू और बढ़िया गाजर मटर टमाटर आलू की मिक्स वेज, तो मस्त डिलीशियस नाश्ता होगा। अभी सब नाश्ता करेंगे और प्रसाद सब खा चुके हैं, उसके बाद होगी बर्थडे की पार्टी।
मिष्टू देखिए अपने शॉर्ट्स और अपने व्लॉग्स देख रही हैं अक्षिवा के साथ में। फ्रेंड्स, आज संस्कार ने कहा था कि मम्मा मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है। लंच में तो बर्थडे था बच्चे का, तो मना तो नहीं कर सकते थे। व्हाइट सॉस पास्ता और वेज रोल उनकी मामी की फेवरेट हैं, तो लंच में कुछ नहीं बनाया गया, बस हमने यही खिलाया बच्चों को। बच्चे खुश हो गए, हैप्पी हैप्पी हो गए। सहस्त्रांश कोई जिद नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संस्कार की थोड़ी सी शैतानी, वो देखिए हमने पकड़ी इसकी चोरी। और ये अकेले कर रहे थे ये सब काम, लेकिन हमने इसको पकड़ा है रंगे हाथों। राधे भैया गुस्सा हो जाएंगे। अब नहीं बेटा, बहुत गलत बात है ये बेटा, गलत बात। फ्रेंड्स भी गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे संस्कार तो थोड़ा गलत हैबिट करते हैं। भूख केक को देख के लगी, अभी आपने बहुत कुछ खाया हुआ है बेटा। नो नो नो। हैप्पी बर्थडे डियर, राधे राधे राधे, हैप्पी बर्थडे यू मैजिक।
कर देना फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय। मिस्टू फ्रेंड्स को बाय बोल दो। कल मिलते हैं फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आज बच्चों की सहस्त्रांश का बर्थडे था, सेलिब्रेशन था, बहुत मज़ा आया। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों को। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स और वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप कुछ भी एक्टिविटी चाहते हैं कि संस्कार कुछ करें, हम मिस्टू को कुछ सिखाएं और सहस्त्रांश कुछ एडिशनल सिखाएं, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 फ्रेंड्स।